अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम है आपको एक बार फिर एमक्यू कुकिंग में। तो आज हम बना रहे हैं मिडिल ईस्ट की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, यानी कि फलाफल और हमस। और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है नॉर्मली। तो चलिए आइए हम इसके इन्ग्रीडियंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे बॉयल चने, छः से पाँच अदद हम लेंगे लहसुन की जवें, तीन से चार अदद हम लेंगे हरी मिर्चें, साथ ही हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और अगर आपके पास पार्सले है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दरमियानी एक प्याज ले लेंगे, इसको कट कर लेंगे। साथ में जाएगी कुटी हुई मिर्चें, भुना कुटा जीरा, नमक देंगे हसबे ज़रूरत और हाफ टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम डालेंगे अपने बॉयल चने, इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन, साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम प्याज, और जाएगा इसमें हरा धनिया। सॉल्ट ऐड करेंगे और भुना कुटा जीरा डालेंगे। और मसाले हमारे पिस गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी वाटर या कोई भी प्रोसेस नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई हमें पीसना है। और इसमें आप बेसन भी शामिल कर सकते हैं साथ में। इसको हम एक बाउल में निकाल देंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें माल करेंगे बेकिंग पाउडर, अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये वो स्टेज है जिसमें आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आप हाथों में ऑयल लेके इसके छोटे छोटे से बॉल बना लें, या तो आप इसको एक पेटी की शक्ल दे सकते हैं। साथ ही एक पैन में ऑयल गरम करेंगे और वन बाय वन इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं सो शैलो फ्राई करूँगी। वन साइड से हो गए तो अब हम इसकी साइड टर्न ऑफ कर लेंगे।
तेज़ आंच पे नहीं इसको हम बनाएंगे, इसको हम दरमियानी फ्लेम पे रखेंगे। फलाफल हमारे हो गए हैं तो अब हम इसे निकाल लेंगे। एक प्लेट में आप टिश्यू पेपर रखें, उस पर हम इसको निकाल लेंगे। फलाफल की शक्ल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। साथ में हम बनाएंगे हमस, क्योंकि बहुत पसंद किया जाता है इसके साथ। हमस के लिए हम लेंगे 1 कप तेल, 7 ही हम लेंगे लहसुन के चवे, 2 खाने की चम्मच जाएगा इसमें लेमन जूस, 1 टीस्पून जाएगा भुना कुटा जीरा, 1 नमक जाएगा हसब ज़रूरत, 1 साथ ही हम इसमें लेंगे 1/2 कप ऑलिव ऑयल, 1 कप तकरीबन हम लेंगे बॉयल चने, 1/2 चने का छिलका हम उतार लेंगे। मैं थोड़ी सी मेहनती हूँ तो मैंने ये काम कर लिया था। अगर आप लोग डायरेक्ट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो छिलका उतार सकते हैं, तो थोड़ी मेहनत लगती है। एक पैन लेंगे, उसमें हम तेल को भुनेंगे अच्छी तरह से। तेल हमारे भुन गए हैं अच्छी तरह से। अब इसे हम पीस लेंगे मिक्सी जार में डाल के। सबसे पहले हम तिल को पीस लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऑयल डाल के फिर मज़ीद इसको हम पीसेंगे ताकि हमारी तहमी बन जाए। साथ ही हम एक ब्लेंडर मशीन लेंगे, उसमें हम चने शामिल करेंगे। साथ ही हम डालेंगे लहसुन, इसमें जाएगा नींबू का रस, भुना कुटा जीरा और नमक। अच्छी तरह से हम इसको भी ब्लेंड कर लेंगे और साथ में बचा हुआ हम ऑयल भी डालेंगे और इसकी थिकनेस हम ठीक रखेंगे, ज़्यादा थिन नहीं रखेंगे। और इसमें हम दही भी डाल देंगे और अगर आप लोगों को पानी शामिल करना है तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिएगा। हमस हमारा बिल्कुल तैयार है और ये बहुत हेल्दी और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। साथ ही हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके ऊपर हम डाल देंगे पेपरिका पाउडर और डेकोर के लिए हम रख देंगे 2 चने। अच्छा जी, फलाफल और हमस हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे लुक आई है और साथ में आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और सॉफ्ट से ये बने हैं और कंप्लीट कुक हैं ये। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पर अल्लाह हाफिज़।